तो भैया वीडियो काफी दिनों से नहीं आ रही थी, तो यार आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते हो, इसी के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। हेलो फ्रेंड, माइसेल्फ मानसू एंड यू आर वाचिंग टेक एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। तो भैया आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस टाइप से आप एक रोबोट बना सकते हो। तो आप इसको अपने स्कूल में प्रोजेक्ट बना सकते हो और इससे आप फर्स्ट प्राइज जीत सकते हो। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसे किस टाइप से यूज करना है और इसका पूरा फंक्शन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर इस वीडियो पे आप 100 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो, क्योंकि यार देखो इस वीडियो को बनाने में ना भाई काफी ज्यादा मेहनत लगा है, तो इसके लिए आपको 100 लाइक्स करवाने होंगे इस वीडियो पे, तो मैं इसका जो मेकिंग का वीडियो है ना वो अपलोड कर दूंगा। क्योंकि यार देखो आप लोग के लिए काफी ज्यादा मेहनत से मैं वीडियो को बनाता हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो भाई काफी ज्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लेकिन यार आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हो। यार इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ इस पे आप 100 लाइक्स का टारगेट हम रख रहे हैं, केवल 100 लाइक्स आप उसको कंप्लीट करवा दो तो मैं इसका मेकिंग का वीडियो अपलोड कर दूंगा। यार आप लोगों में से काफी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई आप वाईफाई कार का पार्ट 2 बनाओ, क्योंकि यार मैंने उस वीडियो में बता दिया था कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार आप उस पे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका पार्ट 2 ला दूंगा। तो यार आप लोगों में से काफी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई पार्ट 2 लाओ, तो यार उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करो और इस वीडियो को 100 लाइक्स का टारगेट है उसको कंप्लीट करवा दो, मैं उस वीडियो का भी पार्ट 2 ला दूंगा और इस वीडियो का भी मेकिंग वीडियो ला दूंगा। क्योंकि यार भाई आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते हो। इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इस वीडियो का मेकिंग और नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वाईफाई कार का उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तो भाई फेस इस टाइप का इसलिए आ रहा है कि सामने एकदम धूप है, इसी के लिए तो उसको आप मैनेज करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई देखो ये रहा वो रोबोट, और यार इसका लुक कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर से बताइएगा। आप इसको इजीली स्कूल प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, इससे जरूर है कि आप फर्स्ट प्राइज ला लोगे। तो अब आप यहाँ पर देखो इस टाइप से हमने इसमें एक ट्रेल लगा रखा है और यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हो और लगा सकते हो। तो यार ये जो रोबोट है इसको आप बना सकते हो एज अ कोविड पेशेंट को देखभाल करने के लिए, आप इसको स्कूल प्रोजेक्ट में ले जा सकते हो और आप इसको बता सकते हो कि कोविड पेशेंट का देखभाल करने वाला है, आप इसमें खाना वगैरह दे दो और ये मोबाइल से कंट्रोल होगा, आप इसको कोविड के रूम में ये जा करके खाना वगैरह दे देगा। इसी के साथ आप देख सकते हो इसी के लिए हमने इसमें ट्रे एक बना दिया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे हमने एक स्मोक सेंसर, गैस सेंसर, एलपीजी सेंसर लगा रखा है। तो भाई इसमें अगर रूम में आग लग जाती है तो यहाँ से ये डिटेक्ट करेगा, हमें अलार्म बजा करके बताया कि इस टाइप से कुछ हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पे आप ये देख लो एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। तो यार देखो जो कोविड पेशेंट रहने वाला है ना वो खुद से अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकता है उसी रूम में। और अब आप यहाँ पर देखो नीचे की साइड से हमने यहाँ पे एक टेम्परेचर मीटर लगा रखा है, तो यार जो कोविड का पेशेंट का जो रूम होने वाला है ना उसका ये टेम्परेचर शो करके दिखाएगा हमें कितना डिग्री सेल्सियस उस रूम का अभी है। इसी के साथ इस हैंड में हमने इसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा रखा है 12 वोल्ट का, साथ ही एक एलईडी इंडिकेटर लगा रखा है। तो यार जब इसे आप चार्ज लगाओगे तो इस टाइप से ये ग्लो करेगा और इसे आप इजीली चार्ज कर सकते हो 12 वोल्ट के चार्जर से। और पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें मैंने 12 वोल्ट की बैटरी का यूज किया है, बाकी बात तो इसका पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा इसका जो मेकिंग का वीडियो। अभी मैं इसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट सबको नहीं खोल करके दिखाने वाला हूँ कि मैंने इसमें क्या लगाया और क्या नहीं लगाया। सिंपली आप इतना जान लो कि ये मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल होगा और इसमें आप कैमरा वगैरह भी लगा सकते हो। अगर इसका पार्ट 2 मैं जब बनाऊंगा तो उसमें मैं कैमरा यहाँ पे इसके आँख में लगा दूंगा तो आप उसका लाइव फुटेज भी देख सकते हो। इसमें हमने मिस्ट मेकर लगा रखा है, यहाँ पे हमने एक टैंकी बना रखा है, इसके अंदर यहाँ पे हमें सैनिटाइजर फिल कर देना है और यहाँ से इसके थ्रू पाइप आ रहा है और यहाँ पे हमने मिस्ट मेकर मशीन लगा रखा है। तो यार यहाँ से जो है ना यहाँ पे आप सैनिटाइजर डाल दोगे तो यहाँ से ये स्प्रे करेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से। तो भाई अब आप देखो इस टाइप से यहाँ पे सैनिटाइजर इस टाइप से स्प्रे करने वाला है, देख लीजिए कुछ इस टाइप से। अभी आउटडोर में इसलिए थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, बाकी बात इसका जो आउटपुट है काफ़ी ज़्यादा तेज है, इस टाइप से इसमें से सैनिटाइजर निकलेगा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। तो फ्रेंड्स इससे ये होगा ना कि आप इसको मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लोगे और जो कोविड का रूम रहेगा ये उसमें पूरी तरीके से आप इसको खुद से घुमा करके और पूरे रूम में सैनिटाइज करा दोगे, कोविड को जो खाना है वो भी पहुंचा देगा। बाकी बात इसके अंदर आप मैंने आपको कुछ दिखा दिया है, इस रोबोट के जो फेस है उसके अंदर हमने यहाँ पे स्पीकर भी लगा रखा है, तो आप चाहो तो कोविड पेशेंट से भी बात कर सकते हो। बाकी बात इसके अंदर लाइट वगैरह भी हमने लगा रखा है, और इसका आप लुक देखो नीचे के साइड से यहाँ पर हमने इस टाइप से
व्हील लगा दिया है ताकि अच्छे तरीके से मूव कर पाए। पीछे के साइड से आप देख लो, यहाँ पे हमने स्विच लगा रखा है। तो यार ये है मेन जो रोबोट है, इसका स्विच है, इससे रोबोट ऑन हो जाएगा। बाकी बात ये कुछ और फंक्शंस है जो कि इसके अंदर हमने लगा रखा है। तो यार देखो, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर कमेंट करते हो, इस वीडियो को लाइक करते हो, तो मैं इसका मेकिंग का भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यार आई होप कि आपको ये जो वीडियो है भाई काफ़ी ज़्यादा सही लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये जो वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना है। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।